नमस्कार आज हम पुणे में है द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र यहां कॉस्मोस बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड बैंक कॉपरेटिव सेक्टर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इट इज अमंग द लीडिंग बैंक ऑल ओवर इंडिया अ मल्टी स्टेट बैंक विथ ऑपरेशन ऑल ओवर आज हम बात करेंगे कॉस्मोस बैंक के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार गोयल जी से जो सिर्फ एक बैंकर ही नहीं एक डेवलपर भी है एक विकासक भी है कोहिनूर ग्रुप उनका रियल एस्टेट फर्म। एंड वी शैल बी टॉकिंग विथ हिम ऑन इश्यूज आर रेलिवेंट फॉर अ होम सीकर फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स, घर और होम लोन कृष्ण कुमार जी वेलकम टू द शो नमस्कार सर सबसे पहली बात आपसे ये पूछेंगे कॉस्मोस बैंक के बारे में जी व्हाट मेक्स इट सच पॉपुलर बैंक मतलब नॉर्मली आप कहीं भी जाइए किसी भी शहर में तो बैंक एक जरूरत होती है उसके हिसाब से लोग देखते हैं लेकिन कॉस्मोस बैंक के लिए पुणे में लोगों का एक प्यार है तो एज चेयरमैन ऑफ द बैंक आप बताएं कि इसकी वजह क्या है इसकी वजह साफ है ये कॉमन लोगों की बैंक है जी पुणे के जो कुछ कॉमन लोग थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी जी और मिडिल क्लास जो लोग हैं ये शुरू से इस बैंक से जुड़े हुए हैं आज बैंक की हालत ऐसी है कि तीन तीन पीढ़ी जो हैं वो लगातार बैंकिंग हमसे करती आ रही है okay. और लोगों का प्यार है उसकी वजह हमारा जो स्टाफ है जो बढ़िया सर्विस उन्हें देता है हंसते हंसते सस्मृत सेवा तत्पर सेवा ये हमारा जो लोगो है जी. इस बहाने हम लोग काम करते हैं इसीलिए लोगों का प्यार बैंक पे बना हुआ है सर ये जो आपका कस्टमर प्रोफाइल आपने अभी बताया मिडिल क्लास पर्सन ये वही क्लास है जो कि घर भी तलाश रहा आज की तारीख में और पुणे में देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू बाय अ हाउस फ्रॉम हाई एंड मिड रेंज टू बजट होम्स सर आप ये बताएं कि जो आपके कस्टमर्स हैं और जो पुणे कर आपके कस्टमर नहीं भी हैं उनको अगर होम लोन लेना है तो वाई आर कोऑपरेटिव बैंक अ बेटर ऑप्शन कोऑपरेटिव बैंक में लोन लेना इसलिए लोग पसंद करते हैं कि यहाँ कोई चिटिंग नहीं होती जी एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी बैंक अपनी एड इस प्रकार से करती हैं कि ए एम का रेट इतना है पर हिडन चार्जेस जो होते हैं जी वो काफ़ी कुछ होते हैं और इस बात का बाद में लोगों को मालूम पड़ता है जब पेमेंट करना शुरू करते हाँ, हैं तब, तब मालूम पड़ता है जी या कभी कभी आपके पास पैसा आ जाता है आप प्री पेमेंट करना चाहते हो तो उसने भी हेवी पेनल्टीज उसको लग जाती हैं जी तो ये सब बातें की सारी पारदर्शिकता जो है कॉपरेटिव बैंक में कौशोस बैंक के पास है हम लोग जो लोन देते हैं ईमानदारी से सारी बातें शुरू में ही सबको बता देते हैं कस्टमर्स को ताकि उन्हें आसानी जा जाती है। और सर पुणे में जो लोग घर लेना चाहते हैं और इसके हेतु घर कर्ज लेने की रात में है उनके लिए एक एडवांटेज ये भी है कि यू आर द चेयरमैन ऑफ अ बैंक यू आर ऑल्सो अ डेवलपर तो सर उसके बारे में कुछ बताएं कि आप विकासक भी हैं और थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताएं कोहिनूर ग्रुप हमारा 1983 में मैंने शुरुआत की थी जी पर कंस्ट्रक्शन में हम लोग बड़े पैमाने पे जो आए वो 2001 के बाद आए पिछले 14 साल से कोहिनूर ग्रुप के माध्यम से पूना पिंपरी चिंचोड़ और पूना जिले के आसपास के जो गांव हैं जी वहाँ पर हम लोग बड़े पैमाने पर हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब तक हमने कम से कम तीन फ्लैट्स बना दिए हैं और आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर ये डेवलपमेंट का सिलसिला जारी रहने वाला है हमें एक बात अच्छी लगती है कि कोहिनूर में जो भी आया आज तक वो सेटिस्फाइड रहा हमने हमेशा हमारी जबान पर ध्यान दिया जी लोगों मुझे याद है 2003 में हमने पिंपले सौदागर में 11 लाख ग्यारह हज़ार एक सौ ग्यारह रुपये में रोहाउसेज बेचे थे और वो हम मुझे कॉस्टिंग साढ़े चौदह लाख पड़ी थी पर फिर भी मैंने 11 लाख में ही वो रो लोगों को दिए आखिरी रोज़ मैंने सत्ताईस लाख का बेचा ये बात अलग है ओके मगर एवरेज में मुझे सत्रह लाख उसका सत्रह लाख का कॉस्टिंग मतलब रिलइजेबल वैल्यू आया पर आज जिन्होंने हमसे वो हाउस लिए थे उनकी वैल्यू आज साठ से सत्तर लाख रुपये हो चुकी है तो इसका हमें बड़ा समाधान है हमारे पास सारा एक जो ग्राहक वर्ग है जो एक बार आ गया वो हमसे जुड़ गया वही लोग हमारे स्पोक पर्सन रहते हैं और उन्हीं की लोगों की जबानी हमारा माल बिकता है कहीं भी हम स्कीम चालू करो बोर्ड लगाओ सो फ्लैट तो खड़े खड़े बिक जाते हैं ये एक हमारे कोहिनूर ग्रुप का एक बहुत बड़ा गुडविल है ऐसे मैं मानता हूँ क्योंकि फ्लैट बेचना आसान है पर फ्लैट बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस जो होती है जी उस पर तौर पर हम लोग ध्यान रखते हैं हम चाहते हैं कि हमारे जो संकुल में आए हुए कोई भी ग्राहक नॉन सेटिस्फाई नहीं रहे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने का काम कोई ग्रुप के माध्यम से ये सेटिस्फैक्शन देने का काम जो मेरे लड़के दोनों विनीत गोयल और राजेश गोयल संभालते हैं इसकी वजह से एक बहुत बढ़िया एक अच्छा क्लास हमसे जुड़ा हुआ है जी यानी कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी घर खरीदते समय सेफ्टी फैक्टर एंड एडवांटेज ऑफ आफ्टर सेल सर्विस जैसा आपने कहा तो ये आपके हिसाब से इज अ मैजिक मंत्रा हंड्रेड परसेंट क्योंकि देखो जो आदमी आपके पास आता है वो अपनी पूरी जिंदगी की पूरी, पूरी पूंजी लगा देता है जी. और रोज हर बार हर बार तो रोज रोज तो कोई घर खरीद नहीं सकता जिंदगी में एक बार वो घर ही खरीदता है और जब घर खर, खरीदने जाता है तो काफी छानबीन करता है कि मैं मेरी जिंदगी की पूंजी लगा रहा हूँ कौन सा बिल्डर में सिलेक्ट करूँ किसके पास जाऊँ किसका रेट कम है कौन ऑनेस्ट है कौन जल्दी मुझे पोजिशन दे देगा ये सारी छानबीन करने के बाद जब वो आपके पास आता है तो उसे उसका विश्वास कायम रखना ये बिल्डर का काम है और इसी वजह से उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जितने भी इसके बाद जो सेल हुए वो जो कस्टमर से कनेक्टेड जो लोग थे उनके जो रिलेटिव्स थे उनके भाई बहन थे वो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं आपको ग्रुप में जाइए आराम से रहिए आदमी मतलब उनका व्यवहार बड़ा पारदर्शी है और पूरा परफेक्टली यहाँ पर काम होता है यानी कि यही हमारा सक्सेस मंत्र ऐसा मुझे लगता है यानी कि आपने एक बात तो सिद्ध हो गई कि आपने इतने सालों में इतने लोगों का जी कॉन्फिडेंस जीत लिया हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस जीत के सर ने आगे बिजनेस कैसे बढ़ा इस पर बात करते एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं वेलकम बैक इतने साल लग जाते हैं किसी घर खरीदार का विश्वास पाने के लिए वो भी यहाँ तक कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिश्तेदारों में आपका नाम रिकमेंड करता फिर सर आप ये बताएं कि घर बनाने के लिए व्हाट इज़ दी राइट परम्यूटेशन राइट लोकेशन राइट साइज राइट प्राइस पॉइंट राइट एम्यूनिटीज़ और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज राइट्स नहीं पहले तो घर खरीदते टाइम पे उसकी आवश्यकता क्या है जी वेदर यू वॉन्ट टू बाई वन बेडरूम टू बेडरूम थ्री बेडरूम फिर अगर उसकी मान्यता दो तीन बेडरूम पे तो उसका बजट क्या है जी और बजट करने के बाद फिर अगर बजट में कैसा है अगर आप सिटी में जाओगे तो रेट ज़्यादा होते हैं बिल्कुल सिटी से थोड़ा बाहर जाओगे तो रेट कम होते हैं उससे और थोड़ा दूर जाओ और भी रेट कम हो जाते हैं तो जहाँ पर वो इंसान काम कर रहा है उसकी फैमिली को जो सूटेबल है स्कूल है दवाखाना है या बाकी सब एम्यूनिटीज़ हैं वो जहाँ पर उनको ज़्यादा मिलती हैं वहाँ पर उन्होंने वो देखना चाहिए कि भाई मेरा बजट पचास लाख रुपया है पचास लाख में मेरी रिक्वायरमेंट दो बेडरूम की है जी। तो दो बेडरूम दो पचास लाख में जहाँ मिलता है उसे नियरेस्ट लोकेशन वो चूज़ करे और वहाँ से उसे स्कूल कॉलेज या बाकी बच्चों की पढ़ाई या हॉस्पिटल्स के लिए या बाकी मार्केट के लिए शॉपिंग जो एम्यटीज़ हैं वो कहाँ उसे मिलती हैं इस प्रकार का उसने ध्यान देना चाहिए और वो चूज़ करके ही वो देख सकता है कि मेरे लिए बड़ी ऑप्शन क्या है और ऐसे काफी ऑप्शन मार्केट में होते हैं कि जिस प्रकार से आपको मिल जाते हैं लेकिन सर आपका जो ग्रुप है आप लोग जिस तरह के घर बनाते हैं आप आप घर बनाते हैं हैं हाई प्राइस मिड रेंज बजट होम्स अपनी कंपनी को तीनों सेगमेंट में काम कर रहे हैं। जी हम दो आप... मीडियम सेगमेंट में करते हैं सेगमेंट करते हैं हाई सेगमेंट में करते हैं सर आज की स्थिति में आप किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जो कि आप बुकिंग्स ले रहे हैं प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हो अभी हाल ही में अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो मारुंजे करके है हिंजोडी के पास में एयर कैसल नाम से है जी वहाँ पर अभी हमारा एक फेज़ वन कम्प्लीट हो गया है कम से तीन सौ साढ़े तीन चार सौ घरों का हमने वहाँ पर पोजीशन लोगों को दिया है जी सेकेंड फेज अभी चालू होने जा रही है जिसके बारे में हम बुकिंग चालू करने वाले हैं अभी पिंपरी में हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है कोहनूर शांगरीला नाम से वहाँ पर भी काफ़ी बुकिंग हमारी हो चुकी है उसका भी सेकेंड फेज़ की बुकिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और बोर्ड बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से आ रहा है और बहुत ही बढ़िया बुकिंग वहां पर हो रही होने जा रही है सर ये जो हिंजेवाड़ी वाला प्रोजेक्ट है जी वो आईटी सेक्टर के लोगों के लिए बनाया गया है या जनरल आप किस हिसाब से प्लान किए हैं नहीं एक्चुअली जब मैंने बनाया तब तो मैंने कॉमन लोगों के हिसाब से बनाया था क्योंकि रेट जब मैंने चालू किया था वहां पर वो प्रोजेक्ट दो ढाई साल पहले जी तब चौबीस सौ साढ़े चौबीस सौ रुपया रेट निकाला था आज वहां पर साढ़े चार हजार रुपए का रेट है तो शुरू में लोगों ने वहां पर पर मेरा बाद में ऐसा ध्यान में आया कि पूरा आस पास का जो आई क्लास है वही लोगों ने सबने बुकिंग की क्योंकि बहुत बजटेड होम थे जो रिक्वायरमेंट थी पैंतीस से चालीस लाख के बीच में सबको दो बेडरूम फ्लैट मिल गए पचास लाख के बीच में लोगों को तीन बेडरूम फ्लैट मिल गए आज तो उसकी वैल्यू डबल हो गई जस्ट टू डबल हो गई है पिछले तो लोगों अभी मेरा पास में ही अभी भूगांव वहाँ पर भोवेरवाड़ी करके गांव है जी वहाँ पर मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले दो तीन महीने में चालू हो रहा है कम से कम आठ सौ फ्लैट वहाँ पर होंगे और टू बेडरूम थ्री बेडरूम वन बेडरूम इस प्रकार के हम निकाल रहे हैं ताकि सभी तबके के, के लोग वहां पर आए और उनके बजट में हम बढ़िया क्वालिटी घर उनको दे सकें प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं तो आप ऐसे लोकेशन में जाते हैं जहाँ पे आप प्राइसिंग एकदम कॉम्पिटिटिव ऑफर कर सकते हैं जी. और जो व्यक्ति आपकी कंपनी में शुरुआत के फेज में बुक करता है मेक्स अ वाइज चॉइस बिकॉज प्राइस हैपेंस तो अभी आपने जो लेटेस्ट लोकेशन बताया जो कि फर्स्ट वन जहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेज है हाँ डबल्ड yeah. तो जो नया लोकेशन आपका है आपके हिसाब से वहाँ पे ये प्राइस डबल होना कितने समय में हो पाएगा तो मेरे ख्याल से तीन साल में हो जाएगा वहाँ पर मेरा आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है जैसे मैंने पहले आपको बताया पिंपले सौदागर में मैंने जब चालू किया जी नौ सौ साढ़े नौ सौ रुपये मैंने रोहस बेचे थे <laughs> आज छः हजार रुपये का रेट है बाद में मैंने रावेत में मैंने जब स्कूल लॉन्च किया रावेत में कोई जाता नहीं था जी मैंने बाईस सौ रुपये में फ्लैट बेचना चालू किया था आज वहाँ पर साढ़े चार से पाँच सौ रुपये का रेट है फिर भाई जैसे मारून जी का आपको बताया मैंने साढ़े चौबीस सौ में चालू किया था साढ़े चार हज़ार रुपये का रेट है तो जहाँ भी मैंने हमेशा नया लोकेशन ढूंढा है पिंपले सौदागर में जब मैंने पहली स्कीम दूसरी मेरी स्कीम थी लॉन्च की जी। कोई जाता नहीं था आज पूरा पिंपले सौदागर भरा हुआ है तो मैं हमेशा नई जगह ढूंढता हूँ उसको डेवलप करता हूँ और मेरा देख के काफ़ी बिल्डर वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग फिर प्राइस वार हो जाता है वहाँ पर और डेवलपमेंट हो जाती है गाँव की और रेट बढ़ जाते हैं नेचुरल जो लोग मेरे से घर खरीदते हैं उनका उनको आधे रेट में ही घर मिलता है मतलब

कोई कोहिनूर ग्रुप में हम गए थे उनसे घर खरीदा तो मेरा अच्छा हो गया लेकिन सर ये भी तो हो रहा है कि आप लो सेगमेंट में शुरू करते हैं बाय द टाइम यू फिनिश द प्रोजेक्ट योर प्राइसिंग इज ऑलरेडी गॉन टू द हायर रेंज या या राइट राइट सर एक पुणे रियल एस्टेट के बारे में ऐसा कहते हैं कि पुणेरी आदमी घर खरीदने जाता है तो बहुत से लोगों का पहले सलाह मशवरा हाँ, किया जाता हाँ, हाँ, है एक मजाकिया तौर से बोले तो बोलते हैं कि उसके एस्ट्रोलॉजर को भी ले आता है <laughs> उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ले आता है वो मामा को भी ले आता है और काका को भी, भी, भी ले, ले, ले आता है, है। एक एक परसेप्शन है जी। आपने इतने साल के अनुभव में क्या पाया क्या वास्तव में पुणेरी जब घर खरीदने जाता है इतना डिटेलिंग करता है कि इट जस्ट दैट ही इज अ पर्सन हु प्लेस सेफ और एक रियल एस्टेट में मजाक सा बन गया कि बहुत लोगों को पूछता नहीं मजाक तो घर नहीं कहेंगे इसको जी बट ये बात जरूरी है कि पुनेरी आदमी ऐसे फर्स्ट स्टेज में आके घर नहीं करता कोई भी okay. फ्लैट बुक करना होता है जी। वो मिनिमम तीन बार आता है पहली बार आता है तो हमको भी मालूम होता है ये बुकिंग नहीं करेगा पहली बार खुद आएगा फिर दूसरी बार घर के बड़ों को लाएगा तीसरी बार दोस्तों को लाएगा और चौथी बार वास्तु वाला या कोई मानता है कुछ लोग फोर्थ टाइम पे मात्र जब आता है तो हमें मालूम पड़ जाता है अब ये बुकिंग करने के लिए आया है पहली बार जब आता है और अगली बार नहीं आता है वो तो हम समझ लेते अभी आने वाला नहीं है कहानी खत्म कहानी खत्म जी उसके बाद अगर तीन बार चार बार अगर आता है तो फिर वो ले चौथी बार तो लेता ही है थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम पे उसका विषय निश्चित हो जाता है उसे घर खरीदने करके वो फिर चेकबुक लेके ही आते हैं साथ में सर पुणे इज अ सिटी जिसमें ग्रोथ जो है वो सर्कल के हिसाब से नहीं होता कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पहले हो जाता है और सराउंडिंग जो उसका सर्कल है उसमें आहिते आहिस्ते फिर ग्रोथ होती है, है। तो इसकी वजह क्या है इज देर अ पर्टिकुलर लॉजिक कि किस एरिया को आज ग्रोथ होना है और किस एरिया को दो साल बाद होना है भले ही एडजेसेंट एरियाज हो नहीं एक्चुअली क्या क्या है कि ये सारे बीस बीस साल पहले के मतलब जो टाउन प्लानिंग वगैरह जो एरिया होता है ये लोग पहले प्लान करते हैं जोन एरिया कौन सा है और उस जोनिंग में उस एरिया की डेवलपमेंट होती है सर हम इस, 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 इस जोनिंग के पॉइंट पे आपसे बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं वेलकम बैक सर आप बात कर रहे थे कि टाउन प्लानिंग स्कीम्स होती हैं जिसमें कि एडवांस में लोकेशंस के हिसाब से गवर्नमेंट एजेंसीज पहले से प्लान कर देती थी कि कहाँ पे रेसिडेंशियल जोन करना है और उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग होती है तो इज दैट द ओनली मैनर इन विच हैज डेवलप्ड और हैज देर बीन मार्केट ड्रिवन ग्रोथ हाउ इज इट बीन नहीं एक्चुअली क्या होता है कि शुरू में पहले सिटी ग्रो हुई जी जैसे कोथरूड है नगर रोड है पुणे महानगर का जो क्षेत्र था जी वो पहले ग्रो हुआ सिटी में जैसे प्राइसेस बढ़ती गई तो लोगों को कोई ऑप्शन ही रहा तो ये टाउन प्लानिंग का जो एरिया है वहाँ पर जो रेजिडेंशियल जोन थे उस जोन में बिल्डर्स वहाँ पर चले गए और वहाँ पर डेवलप होने लगे तो लोगों के कंट्रोल में जैसे अगर सिटी में आदमी एक घर एक वन बेडरूम खरीद सकता है तो वहाँ जाके वो तीन बेडरूम खरीदना चाहता है या दो बेडरूम उसको मिलने लग गए इसलिए ये सारा एरिया डेवलप हो होता गया पर इसमें फैक्ट क्या मुश्किल क्या रही कि पीएमसी के अंदर या पीसीएमसी के अंदर तो डेवलपमेंट होती है क्योंकि उसके बारे गवर्नमेंट के लॉज लौ, हैं या उनकी सारी प्लानिंग हैं या उनके फंड्स हैं रेवेन्यू है पर जहाँ पर ये आउट ऑफ जो पी एम और पी एरिया है जो टाउन प्लेन एरिया वो इतने फास्ट डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं हुआ स्कीम्स हो रही हैं आज भी हो रही हैं पर जिस ढंग से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है वहाँ पर काफ़ी सुविधाओं और सुविधाओं का तकलीफ़ सब बिल्डर्स को हो रही है ऐसा मेरा मानना है यानी कि इंडिया में चलते चलते स्थिति ये बनती है कि आप नए एरिया में अगर प्रोजेक्ट डालते हैं अगर मनपा के एरिया में क्षेत्र में पड़ता है तो मनपा बोलती है कि ऐसा करें रोड आप बना दे गटर लाइन आप डाल दे स्ट्रीट लाइट आप लगवा दे अगर गार्डन छोटा सा बना दिया तो और भी बेहतर रहेगा मतलब कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले एरिया का विकास विकासक को करना पड़ता है आई थिंक दैट इज वाई यूर कॉल्डकट राइट लेकिन सर ये जो ट्रेंड है कि नए एरियाज डेवलप करने के लिए बिल्डर को दोनों चीज़ों का एक बोझा उठाना पड़ता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है डजेंट दैट इंक्रीज योर कॉस्टिंग एंड इजेंट दैट वन ऑफ द रीजन वाई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि प्रोजेक्ट महंगा है बट इट्स नॉट दैट यू आर पुटिंग दैट प्रॉफिट इन योर पॉकेट बट बाकी का खर्चा आपको जो करने पड़ रहे हैं उसका कॉस्ट निकल रहा है इज दैट द केस डेवलपमेंट में काफ़ी खर्चा होता है जी पर हम खर्चा करने को तैयार होते हैं अभी जहाँ पर टाउन प्लानिंग की बात आती है वहाँ पर कुछ रूल्स ऐसे हैं वो परमिट ही नहीं करते भाई गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा परमिशन आई नहीं है तो हम चाहकर भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते और इसलिए अभी आपने देखा होगा आजकल टाउनशिप मॉडल काफ़ी आया हुआ है जी मतलब टाउनशिप मॉडल में लोगों को क्या होता है हंड्रेड एकर लैंड में पूरी डेवलपमेंट उसको करनी होती है मतलब पोस्ट ऑफिस भी उसको बनाना है बैंक भी उसको बनानी है हॉस्पिटल भी बनाना है स्कूल भी बनाना है सारी इंटरनल डेवलपमेंट भी करनी है मतलब एक सिटी जैसे बस्ती है उस प्रकार का का डेवलपमेंट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस बिल्डर को करना पड़ता है जी और इसलिए वो टाउनशिप प्रोजेक्ट अभी आजकल ज़्यादा ज़्यादा फेमस हो रहे हैं इंडिया में जब घर खरीदना होता है तो लोग लोन लेते हैं टू क्रिएट एन एसेटेटी मॉडगेज होम राइट लेकिन इस पे जो बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए ज्यादा करके लोग देते नहीं लाइक वेदर योर रिपेमेंट कैपेसिटी अप टू द आप बाकी खर्चा निकाल के रीपेमेंट कर पाएंगे ई का बोझ आपको ज्यादा भारी ना पड़े कॉस्मोस बैंक जब किसी भी कस्टमर को लोन देती है घर खरीदने के लिए तो आपका प्रोसीजर क्या रहता है नॉर्मली यू आर द चेयरमैन आई डोंट एक्सपेक्ट टू गो डाउन टू माइक्रो डिटेल बट एक जनरल पॉलिसी की अगर आप बात कर सके कि अगर कोई आपका कस्टमर आपके पास आके होम लोन लेना चाहता है तो किन चीजों पे बैंक तवज्जो देती है नहीं मेन तो हम ये देखते हैं कि उसके आय कितनी है जी जितनी क्योंकि हमारा ये मानना रहा है अगर किसी की आय पच्चीस हज़ार रुपया है महीने की तो साढ़े बारह हज़ार तक का उसको ई हमने देना चाहिए क्योंकि साढ़े बारह हज़ार तो उसके रोज के खर्चे के लिए उसको रहनी चाहिए बकाया रहना चाहिए तो ही वो से, सेफली अपना इंस्टॉलमेंट भर पाएगा जी। और इस ढंग से जो प्लान करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम आता नहीं पर जहाँ तक मेरा ये अनुभव रहा है कि हाउसिंग लोन ये सबसे सेफेस्ट लोन है जी हालांकि एक तो ये लॉन्ग टर्म है पंद्रह से बीस साल का लोनिंग जाता है ठीक है एक प्याज के हिसाब इस से इसमें इनकम बहुत कम रहती है क्योंकि लो कॉस्ट में ये दिया जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये दिया जाता है इसमें नुकसान महंगा यह भी होता है कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के बढ़ गए और लोनिंग तो पुराने रेट से ही चालू रहती है डिपॉजिट रखने वाला तो तीन साल या पाँच साल में अपनी डिपॉजिट ले जाता है नए जब आते हैं डिपॉजिट तो नए रेट से आते हैं पर एक सिक्योर्ड प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर का एडवांस है ये और सिक्योर्ड एडवांस है एक से डेढ़ परसेंट ही इसमें हमको जो बुरे एक्सपीरियंस आए हैं मतलब नाइन्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट जो लोग हैं वो ईमानदारी से अपना ई भरते हैं क्योंकि घर खरीदना और उसकी इंस्टॉलमेंट देना ये एक इमोशनल बात होती है बिल्कुल भाई कल को कुछ भी हो जाए मेरे घर को आँच नहीं आने चाहिए मेरे बाल बच्चे जो है बाहर उनको कोई निकालना नहीं चाहिए इस प्रकार की भावना लोगों की होती है और इसीलिए कोई भी आदमी कितनी भी तकलीफ में होगा वो अपना हाउसिंग इंस्टॉलमेंट कभी चुकाएगा मतलब बाकी नहीं रखेगा एकदम एकदम सही बात आपने कही कि अपने घर पे कोई आंच नहीं आने देता सर आपकी बैंक की वेबसाइट पे देर आर इंस्टेंसेस ऑफ प्रॉपर्टीज जिन पे लोन दी गई थी जो कि रिपजेस कर दी गई है और आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि अगर कोई उसको लेना चाहे ये एक नया सेगमेंट है जो कि इंडियन रियल इस्टेट में अब तक डेवलप नहीं हुआ कि रिपोर्जस्ट लोन्स फोरक्लोज मॉर्डगेज इससे जो प्रॉपर्टी आती है आप ये देखते हैं फ्यूचर में पुणे में इस टाइप की प्रॉपर्टीज आएंगी विल इट बी अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द मार्केट और नॉट रियली नहीं मेजर तो नहीं रहेगा पर थोड़ा बहुत तो चलेगा कारण कैसे अभी जैसे आपने देखा ये साल भर साल दो साल से जी। जो मंदी का दौर चल रहा है जी। अभी हमारी साइड वेबसाइट पर वे जो होंगी प्रॉपर्टीज ये सब जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं जिनके अकाउंट एनपीए हो गए हैं जी। उनके लिए हमने इमीडिएट एक्शन लेना चालू कर दिया है और हम लोग वो प्रॉपर्टी पोजीशन में लेके उसका ऑक्शन करना चाहते हैं जो बेटर प्राइस दे जो ज़्यादा ज़्यादा प्राइस दे उनको हम बेचना चाहते हैं जी तो बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसी बात नहीं है बट आने वाले समय में इसकी ज़रूरत है और लोगों को भी बेनिफिट हो जाता है अगर किसी को रेडीमेड कोई बिजनेस में एंट्री करनी है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीली उसको मिल जाता है और उसकी खुद की होशियारी और उसका उतना खुद की कैपेसिटी है पैसे इन्वेस्ट करने की उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये लेकिन होम्स के केस में मतलब तो जिसने घर पे लोन लिया हो और किसी कारण से न हो पाए और उसको जब रिपोर्जेस करना पड़े ये फ्लैट्स जब फिर मार्केट में आते हैं तो क्या पुणे के मार्केट में रियल एस्टेट मार्केट में ये सेगमेंट आएगा एनिफियस कितना बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है अभी हमारा जैसे एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया इसे बहुत ज्यादा अभी जैसे आई बाकी जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक उनको शायद ये एक्सपीरियंस आए क्योंकि उन्होंने पिछले पांच दस साल पहले नाइन्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट तक लोन दिए मुझे मार्जिन लिया ही नहीं टेन परसेंट लिया या फाइव परसेंट लिया हमारा ये मानना रहा है भाई बीस परसेंट तो मार्जिन कम से कम होना चाहिए सामने वाले का ताकि प्रॉब्लम नहीं आता है और पर इस प्रकार के जो भी आते हैं वो बिक जाते हैं तुरंत फ्लैट पर कोशिश ये रहती है जिस प्रकार के जो फ्लैट आते हैं वही आदमी अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके वो पैसा भरने का प्रयास करता है और उसका फ्लैट कायम रखने की कोशिश करता है ऐसा मेरा अनुभव है यानी हैसमोस बैंक एज अ फ्रेंड ये भी करता है कि अगर आप फॉर एनी रीजन एक या दो इंस्टॉलमेंट चुक गए हाँ। तो देर इज अपॉर्चुनिटी गिवन टू दी कंसर्न पर्सन कि आप कहीं और से वो पैसे का बंदोबस्त कर ले और लोन पूरा कर ले नहीं तीन इंस्टॉलमेंट तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तीन इंस्टॉलमेंट से ज्यादा अगर उसका बकाया हो जाता है तो अकाउंट एनपीए में जाता है फिर भी दो तीन महीने तक हम उनको चांस देते हैं पिछले महीने से पहले पहले आप ये भर दो अदरवाइज फिर हम बाकी की सारी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं यानी कि एक सही मायने में एक दोस्त होना बस प्रोबबिलिटि राउंड पे करते हैं हम लोग तो ये जी जी सर uh, yeah. आपसे इस विषय पे बात करके बहुत अच्छा लगा कि नॉट ओनली यू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल व्हेन दे कम टू यू फॉर द लोन खुदराकर अगर कुछ अनफोरसीन चीज हो जाती है और अगर दो तीन ईएमआई नहीं दे पाते तो तो दे दे देते हैं हैं थोड़ा एक पे दे 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 भाई चलो जिंदगी में आती रहती तो करना चाहिए आदमी है लेने वाला ये हम सोचते तो यू। आ, वी फ्यूचर में भी ऐसे विषय पे आप हमारे व्यूअर्स के साथ फिर से बात करेंगे अपने थॉट्स शेयर करेंगे इस एपिसोड को यहाँ समाप्त करते हुए आपसे इजाजत लेंगे Thank you so much. Namaskar. Namaskar.